हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं काफ़ी बहुत बड़ा अपडेट जो कि केंद्र सरकार का अपडेट है। दोस्तों, वह परीक्षा से रिलेटेड है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों देखिए क्या है, राज्यों की सहमति से होगा परीक्षाओं पर फैसला। दोस्तों देखिए, 12वीं की बोर्ड परीक्षा सहित दूसरी सभी प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अब कोई भी फैसला केंद्र और सभी राज्यों की राय से होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि अब जो भी एग्जाम से रिलेटेड फैसला होंगे वो केंद्र और राज्य से केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में रविवार को इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक रखी गई है। इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के साथ परीक्षा को लेकर विचार किया जाएगा, साथ ही आगे की रणनीति को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार की ओर से यह वर्चुअल ही रखी गई है। ठीक है, यह एक बैठक वर्चुअल ही रखी गई है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल रहेंगे। दोस्तों इस उच्च स्तरीय बैठक से पहले, ठीक है, केंद्रीय मंत्री निशंक ने सभी राज्यों को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम ही अस्त व्यस्त है। CBSE ICSE सहित राज्यों के बोर्डों ने फिलहाल 12वीं की परीक्षाओं को लेकर स्थगित कर रखा है। ऐसे में इस पर नए सिरे से विचार की, ठीक है, जरूरत है। उच्च शिक्षण संस्थान भी परीक्षा की तिथियों को लेकर चर्चा में जुटे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्थगित रखी गई है, जो स्थिति सामान्य होने पर कराई जाएगी। निशंक ने राज्यों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि चूंकि 12वीं की परीक्षाओं का प्रभाव पूरे देश में सभी परीक्षाओं पर पड़ता है, ऐसे में छात्रों की अनिश्चितता को कम करने के लिए सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के सुझाव जाने जाएंगे। इसमें दोस्तों सभी के सुझाव जाने जाएंगे, तो दोस्तों आज ही हो जाएगा फैसला कि एग्जाम होगा या नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक आज, राज्यों के शिक्षा मंत्री की जानी जाएगी राय। बैठक में निशंक के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी भी शामिल रहेंगे। दोस्तों यही है आज का सबसे बड़ा अपडेट। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लगे तो अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जानिए ऐसे ही बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड न्यू अपडेट और तैयारी करें साथ में बोर्ड्स एग्जाम के। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।